आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार यानी 16 मई को कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। जल संकट को लेकर भाजपा दिल्ली के 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरते। लखनऊ के एक अस्पताल में आईसीयू में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दो बेटियों का निकाह करवाया गया। दोनों की शादी 22 जून को होनी थी, उससे पहले ही पिता की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए निकाह आईसीयू में करवा दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एआई से जनरेटेड किए गए फर्जी वीडियो डीफेक कंटेंट पर रोक की तैयारी है। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार भोपाल पहुंचे। यहां लाडली बहनों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फादर्स डे पर अपने पिता पूनम चंद यादव से मुलाकात की। सीएम ने पैसे मांगे तो उन्होंने 500 की गड्डी पकड़ा दी। सीएम ने एक नोट रखा और बाकी लौटा दिया। इसी दौरान पिता ने सीएम को ट्रैक्टर सुधरवाने वाला बिल भी थमा दिया। खंडवा में एक ट्रोले ने दो लोगों को रौंद दिया। बाइक सवार की मौत हो चुकी है, जबकि सड़क किनारे खड़ी महिला गंभीर रूप से घायल है। इससे पहले ट्रोले ने एक कार को टक्कर मारी थी। छिंदवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पति की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। 3 दिन तक वह घरवालों से इस बात को छुपाई रखी, लेकिन गांव वालों को पता चलने के डर से शनिवार शाम शिवपुरी थाने पहुंचकर सच्चाई बता दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।